है दोस्तों नमस्कार, मैं अभिनय श्रीवास्तव स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अभिनय फैक्ट में। दोस्तों आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो एक ऐसा विषय है जिसको लेकर हर एक के मन में कुछ ना कुछ कंफ्यूजन ज़रूर है, और वो विषय है कोरोना की वैक्सीन कौन सी लें, कोविशील्ड या कोवैक्सीन। तो आज हम आपको एक एक्सपर्ट की राय बताने जा रहे हैं कि कौन सी वैक्सीन आपको लेनी चाहिए। तो दोस्तों हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और हाँ यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप वो वीडियो देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों US डॉक्टर रवि गोडसे के अनुसार सबसे पहले तो जो भी वैक्सीन अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं, चाहे वो कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, क्योंकि ये दोनों वैक्सीन कोरोना में कारगर साबित हैं। तो आप कोई भी वैक्सीन ले सकते हैं। यदि आपकी उम्र 30 से कम है और आप महिला हैं, साथ ही साथ आपके पास चॉइस का ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप कोवैक्सीन ले सकते हैं। वहीं अगर आपकी उम्र 30 से ज़्यादा है और 60 साल के बीच में है पर आपके पास चॉइस ऑप्शन है, तो आप कोविशील्ड ले सकते हैं। अगर आपकी उम्र 60 से ज़्यादा हो और चॉइस ऑप्शन है तो आप कोविशील्ड ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर रवि गोडसे के अनुसार आपका कन्फ्यूज़न काफ़ी दूर हो गया होगा कि कौन सी वैक्सीन लेनी चाहिए। हालांकि दोनों वैक्सीन प्रभावी हैं, कारगर हैं, दोनों में से कोई वैक्सीन ले सकते हैं आप। साथ ही साथ आपको मास्क का प्रयोग भी ज़रूर करना चाहिए, भले आप वैक्सीन ले ले हों तो भी आपको मास्क का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए और भीड़ भाड़ इलाके में जाने से बचना चाहिए, क्योंकि अभी तक कोविड पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, तो आपको अभी भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, साथ ही साथ हमें कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आपने कौन सी वैक्सीन ली है, कोविशील्ड या कोवैक्सीन। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।